कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो दोपहर के बज रहे हैं 3। तो मैं किशु को सुला कर आई हूँ अभी, और मॉर्निंग से मैं कर रही थी सिलाई। डॉगी के भौंकने की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो बाहर सामने उन लोगों के पास है, तो वो सारा दिन ऐसे ही भौंकता रहता है, तो उन्होंने खुद से रखा हुआ है। अब मतलब वो पालतू है उनका अपना, तो गली का कुत्ता नहीं है, तो ये ऐसे ही भौंकता रहता है। तो इसकी आवाज़ काफ़ी बार आई हुई है मेरी वीडियो में, तो आती रहती है। तो मैं ही कर रही थी यहाँ पर बैठकर, मतलब सिलाई तो नहीं कर रही थी मैंने। सिलाई तो मैंने जो मैंने सूट काटा था, तो मैंने कल उसकी सिलाई भी कर ली थी शाम के टाइम पर, और अभी मैं कर रही थी उसकी तुरपाई। तो वो फाइनल हो चुका है, तो बस मैं उसको रख कर आई हूँ अंदर, और किशु को सुला कर आई हूँ मैं उसके बाद। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, तो मैं जाऊँगी किचन में। तो अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है, तो अभी मैं जाऊँगी किचन में, तो मैं बनाऊँगी सूजी और बेसन से पंचरी। तो किस किस को पसंद है बेसन की पंचरी, तो मैं थोड़ा सा सूजी मिक्स करके बनाती हूँ उसमें। खाली बेसन से भी बनाती हूँ मैं, लेकिन सूजी से थोड़ा रवेदार बन जाती है बेसन की बर्फ़ी, सूजी जो भी बोलते हैं पंचरी, तो मैं वो ही बनाऊँगी अब। और मोक्ष को बहुत पसंद है सूजी की पंचरी, लेकिन मैं बेसन डालकर बनाऊँगी, तो काफ़ी अच्छी लगती है बेसन की पंचरी। तो मुझे कमेंट करके बताना किस किस को अच्छी लगती है। तो अभी चलते हैं किचन में, नहीं तो फिर किशु उठ जाएगा। तो मैं जब भी मतलब किशु को सुलाती हूँ, तो मैं इस तरह के काम तभी करती हूँ, नहीं तो वो करने नहीं देता है मुझे। और फिर किचन में वो मतलब थोड़ी देर के लिए मैं उसको नीचे बिठा भी देती हूँ, लेकिन वो ज़्यादा देर तक तो खेलता नहीं है। तो जैसे ही वो मुझे देखता है, तो फिर वो मतलब इसको गोदी में आने की लग जाती है, तो थोड़ी बहुत देर के लिए खेलता है वो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, चलते हैं किचन में, नहीं तो फिर किशु उठ जाएगा। तो चलते हैं। तो आ गई हूँ मैं किचन में, और मैंने रख दिया है गैस पर कढ़ाई को। तो मैंने डाल दिया इसमें रिफाइंड ऑयल, और मैंने डाल दिया इसमें अभी सूजी को। तो मैं सूजी को भून कर डालूँगी, और यहाँ पर सूजी को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आनी चाहिए, मतलब इसमें कलर नहीं आने देना है, नहीं तो फिर पंजरी भी जो हमारी होती है तो वो डार्क हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है फिर देखने में। तो इसलिए थोड़ा हल्का सा लाइट कलर आने देंगे इसमें, और इसमें हल्की हल्की सी खुशबू भी आने लग जाती है जब ये भुन जाती है। तो फिर हम वो तो मतलब अपनी पसंद से होता है कि कोई डार्क ज़्यादा पसंद करता है, कोई लाइट। तो बस मैंने यहाँ पर इसको हल्का सा कलर दिया है, वैसे ये भुन चुकी है, तो मैं इसको निकाल लूँगी अब। तो अभी सूजी भुनकर हो गई है हमारी रेडी, तो मैंने फिर से इसमें डाल दिया रिफाइंड ऑयल। तो अभी भुनेंगे हम बेसन को। तो बेसन को भूनने के लिए हमेशा गैस की फ्लेम को कम कर देना चाहिए, और कढ़ाई भी अभी गर्म हो रही है काफ़ी, तो इसलिए मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है गैस की फ्लेम को, क्योंकि फिर एकदम से बेसन जल्दी ही लग जाता है। तो और इसको मिक्स करने में भी, घी हो या रिफाइंड हो कुछ भी हो, तो इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ी हल्की हल्की गांठे सी बन जाती है एकदम से। तो फिर इसको मतलब कम गैस पर ही भूनना सही रहता है, और अगर इसको हम तेज़ गैस करके भूनते हैं, गैस की फ्लेम थोड़ी ज़्यादा तेज़ रहती है, तो फिर इसका लगने का भी डर रहता है, और इसमें मतलब ये अच्छे तरीके से भूनता भी नहीं है, तो ये कच्चा रह जाता है बेसन हमारा। तो इसको कम आँच पर ही भूनना सही रहता है। तो इसमें मैंने और ऊपर से घी ऐड कर दिया है, तो जिससे ये अच्छे तरीके से भून जाएगा, तो इसको चलाने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि अगर ये सूखा सूखा रहता है तो नीचे लगने का डर ज़्यादा रहता है, और जब ये थोड़ा ढीला सा हो जाता है तो इसको आसानी रहती है भूनने में और चलाने में। तो बस बेसन हमारा भून चुका है, तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। तो अभी मैं निकाल लूँगी बेसन को बाहर, तो फिर हम बनाएँगे चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने दोबारा से कढ़ाई को चढ़ा दिया है, तो मैं यहाँ पर कटोरी से नाप बताऊँगी आप लोगों को कि कटोरी से कैसे लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी लिया है, तो सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो 2 कटोरी पानी में मैं डालूँगी 3 कटोरी, उसी कटोरी से 3 कटोरी चीनी डालूँगी। तो यहाँ पर कटोरी चेंज नहीं की है मैंने, सेम वही कटोरी है। तो 2 कटोरी पानी डाला है मैंने, और 3 कटोरी डाली है चीनी। तो इस तरीके से परफेक्ट चाशनी बनकर रेडी हो जाती है हमारी। तो हम इसमें अच्छे तरीके से उबाल आने देंगे, तो इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो मैं बनाऊंगी 1 तार की चाशनी, और 1 तार की चाशनी से परफेक्ट पंजरी बनकर रेडी हो जाती है हमारी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चीनी ज़्यादा हो जाती है, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो
काफ़ी सिंपल सा तरीका मैंने आप लोगों को बताया है पंजरी बनाने का। और यहाँ पर मैंने इसमें दूध ऐड नहीं किया है, तो हमारी चीनी बिल्कुल साफ़ है, तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है, तो यहाँ पर मुझे दूध डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह की चाशनी, मतलब एक तार कैसे होता है। तो एक तार हमारा जब, मतलब दो तार की चाशनी में हम पंजरी बनाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कढ़ाई में जमने लग जाती है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि एक तार किस तरह से होता है। ये हमारी इस तरह से एक तार की चाशनी है, ये देखिए। तो एक तार जब हमारा बनता है तो वो चिपचिपा सा हो जाता है, लेकिन वो बीच से टूटने लगता है। तो वो बीच से टूट जाता है जब हम फिंगर पे ट्राई करते हैं उसको, तो वो बीच से टूटता है लेकिन वो चिपचिपा रहता है। तो वो एक तार की चाशनी होती है हमारी। और दो तार की चाशनी वो होती है जब हम फिंगर में, मतलब दोनों फिंगर के बीच में चाशनी को रखते हैं, तो वो लंबा तार बनाता है, तो वो दो तार की चाशनी होती है और वो काफ़ी चिपचिपी भी होती है। तो उसमें इसलिए पंजरी हमारी जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वो कढ़ाई में ज़्यादा जल्दी से जमने लग जाती है। तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता होगा, और मेरे साथ भी जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था बनाना तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो तब भी मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें गैस को कर दिया है अभी बंद। तो यहाँ पर हमारी चाशनी बन चुकी थी, एक तार की चाशनी मैंने रखी है इसमें। तो मैंने गैस को कर दिया है बंद और मैंने इसमें डाल दिया है सूजी और बेसन को। तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसको कढ़ाई में ठंडा होने दूँगी। तो मैं इसको अच्छे तरीके से चलाती रहूँगी जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता और ये साइड में जमने नहीं लग जाती है। तो तब तक हम इसको चलाते रहेंगे ऐसे ही। तो एकदम से इसको प्लेट में नहीं करना है ट्रांसफ़र, तो हम इसको कढ़ाई में ठंडा करेंगे इसको रेगुलर चला कर। तो अभी हमारा मिश्रण बिल्कुल सही हो चुका है, सूजी और पंजरी। तो यहाँ पर वो अच्छे तरीके से ठंडी हो गई थी, मतलब पूरी ठंडी नहीं करनी है उसको, थोड़ा सा टाइम लेना है उसको प्लेट में फैलाने के लिए, क्योंकि अगर वो कढ़ाई में जमने लग जाएगी तो फिर आप उसको फैला नहीं पाओगे। तो इसीलिए एक तार की चाशनी परफेक्ट रहती है। तो दो तार की चाशनी कढ़ाई में ही जमने लग जाती है, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है कि हम कढ़ाई में, मतलब प्लेट में फैलाएँ उसको। और वो जब उसको काटते भी हैं तो वो टूटने लग जाती है, तो वो काफ़ी टाइट हो जाती है हमारी पंजरी और बर्फी जो भी बोलते हैं, तो हम पंजरी बोलते हैं। और यहाँ पर, मतलब मैंने इसमें डाला है प्लेट में इसको, तो मैं इसको करूँगी चम्मच से, क्योंकि ये अभी गर्म है तो इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। तो इसलिए इसको आराम से फैलाने का टाइम मिल जाएगा मुझे, तो नहीं तो ये फैल नहीं पाती है फिर अच्छे तरीके से, और पीस भी अच्छे नहीं निकलते हैं हमारे। तो मैं इसको बराबर कर लूँगी चम्मच से ही, और मैं डालूँगी इस पे बादाम। तो मैंने बादाम को यहाँ पर काट कर रखा हुआ है, तो मोक्ष बादाम ही खा लेता है, लेकिन वो और कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता है। तो आप लोग इसको अपनी पसंद से सजा सकते हैं, तो देखने में भी अच्छी लगती है। और ऊपर से मैंने इसमें घी भी लगाया है, क्योंकि ये काफ़ी, मतलब ऊपर से शाइनिंग आ जाती है पंजरी में हमारी, तो काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें बादाम कटे हुए। तो यहाँ पर मैं इनको अच्छे तरीके से प्रेस कर रही हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से चिपक जाए पंजरी में हमारी, नहीं तो फिर जब हम उसको काटते हैं तो वो निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको अच्छे तरीके से दबा दूँगी पंजरी के अंदर ही। तो पंजरी बनकर हमारी रेडी है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है? तो अभी मैंने उसको रख दिया ठंडा होने के लिए, तो तब तक मैं किचन क्लीन कर दूँगी। तो शेल्फ पर मीठा गिर जाता है तो चींटियाँ आने लगती हैं, क्योंकि अब है गर्मियों का मौसम तो चींटियाँ बड़ी जल्दी आ जाती हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लीन कर दूँगी। और मैंने कूलर के सामने रख दिया उसको, तो किशू सोया हुआ है अंदर। तो आज मेरा काफ़ी, मतलब दिनों बाद, तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम तो पूरी तसल्ली के साथ हुआ है, क्योंकि आज किशू बीच में बिल्कुल भी सोकर नहीं उठाया, तो इसलिए मैंने कूलर में रख दिया उसको, तो जल्दी से ठंडी हो जाएगी वो। और आप लोगों को बीच बीच में मेरी वीडियोज़ में बच्चों के बोलने की आवाज़ आती रहती है, तो मैं ऊपर से वॉइस ओवर करती हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि बच्चे घर में हैं तो बोलते भी हैं, तो आवाज़ें तो आनी बनती है बच्चों की। तो ये भी खुश नसीबी है, एक बच्चों के बोलने की आवाज़ें आती हैं, हर घर में आनी चाहिए, मैं ये कहती हूँ। और अभी मैं काटने लगी हूँ इसको, तो ये अच्छे तरीके से जम चुकी है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इसके पीसीस भी अच्छे निकल रहे हैं हमारे, तो चाकू भी इसमें आसानी से निकल जा रहा है। तो बस मैं इसको निकाल कर अलग कर दूंगी। और जब भी मैं पंजरी बनाती हूँ तो मैं एक तार की चाशनी ही रखती हूँ, क्योंकि एक तार की चाशनी से बिल्कुल परफेक्ट पंजरी बनकर तैयार हो जाती है हमारी। और अगर हम दो तार की चाशनी रखते हैं तो वो
प्लेट में ही टूटने लग जाती है जब हम उसके पीस निकालते हैं, तो उसके पीस बीच से टूटने लग जाते हैं और उसमें काफ़ी चूरा सा हो जाता है हमारी पंजरी का। तो मैं आप लोगों को मतलब इसलिए मैं आप लोगों के सामने काट कर दिखा रही हूँ। तो एक तार की चासनी से हमारी पंजरी अच्छी बन जाती है और पीस भी अच्छे तरीके से निकलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका एक एक पीस बिल्कुल परफेक्ट बनकर निकल रहा है जिस तरह से मैंने इसको काटा था। तो ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, एक तार की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट रहती है पंजरी बनाने के लिए। तो दो तार की चाशनी में तो वो ज़्यादा टूटने लग जाती है। तो ये देखिए मैंने इसको कर लिया है यहाँ पर प्लेट में, तो मैंने इसको काट लिया है। और कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सूजी और बेसन से ये पंजरी तो काफ़ी टेस्टी लगती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना जिसको बनानी नहीं आती है। सूजी से भी बनती है ऐसी पंजरी तो वो भी काफ़ी टेस्टी लगती है, मैं किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। तो ये बेसन और सूजी की पंजरी आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो एक लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट ब्लॉग में नई रूटीन के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।